यही मुफ्ती जम्मू का जी कदम बढ़ाओ, यही मुफ्ती उनको भी इसी तरह रिलीज किए, उनको भी रिलीज करें। ये इस वक्त जो हमारे नौजवान जिनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते, रिक्शा ही नहीं है, उनको रिलीज करें तो अच्छी बात होगी। इंजीनियर साहब को बताया जाइए क्रॉस किया बीजेपी का रीजनल पार्टी का क्या हवाले से आपके क्या कहना? देखिए शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं उनके माँ बाप उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास ना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है, वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए, ये सोचने वाली बात है। जमात का वोट बैंक आपके ऊपर बैन है, मुझे नहीं मालूम क्या वाकई जमात इलेक्शन लड़ रही है या जमात का लिबादा पहन के एजेंसीज के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोज गुजारिश करना चाहता हूँ, आज से 70 साल पहले जो हमने सोचा था कि जो वाइड बेस रास्ता है हमें नारायण महबूबा मुफ्ती जी के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। और इसके साथ जितने भी पीडीपी के लीडर साहबान है जिनमें जोन वाइस प्रेसिडेंट निसार साहब पहुंचने वाली है, इसके जीवन में मैं जिला ترقی گسان تہ پتہ آپس لوگ یمو ٹیکس
اگر نہ مفتی صاحبن تو ٹول ٹیکس معاف آسا کرمت آج ایسا لچھ مودی روپے کا ٹول ٹیکس छोड़ा गया होता लोगों की बात सुनकर करते तो अच्छा होता। आज उनको छोड़ा गया ताकि वोटों का डिवीजन हो जाए, वोट कटौती।